एवरीवन, वी हैव कंप्लीटेड फोर पोएम्स फ्रॉम द जेपीएससी सीरीज। ये पांचवा पोएम है जिसका नाम है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी एग्जाम के तौर से इम्पोर्टेंट तो है ही, पर लाइफ को समझने के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। म्यूटेबिलिटी का अर्थ है परिवर्तन, द वन एंड ओनली कॉन्स्टेंट ऑफ आर लाइफ। एक चीज जो कभी नहीं बदलेगा वो है बदलाव होना, क्योंकि बदलाव होना तो निश्चित है ना। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और इसको लिखा है पर्सी वाइसी सली ने, जो कि एक इंग्लिश पोएट है। क्लास 9th में आपने ओज़ीमेंडियास पढ़ा होगा, वो एक पोएम, वो इन्होंने ही लिखा है। सो लेट स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। इसमें चार स्टैंजाज है जिसमें चार चार लाइन्स है। इसका राइमिंग स्कीम ए बी बनता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मून सून क्विवर एवर, मॉनसून इज ए एंड क्विवर एवर इज बी बी। ठीक है, इसका राइमिंग स्कीम ये है ए बी ए बी। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर एज क्लाउड्स दैट वायल द मिडनाइट मून। हम यानी इंसान, हम लोग बिल्कुल बादलों की तरह है, एक ऐसे बादल की तरह जो मध्य रात्रि के चांद को छिपा देते हैं। वायल का मतलब होता है छिपाना। हाउ रेस्टलेसली द स्पीड एंड ग्लीम एंड क्विवर। ये हमारी जिंदगी को लेकर के है कि हम कितने बेचैन होकर के कितनी तेजी में कभी चमकते हुए तो कभी थरथराते हुए जिंदगी पार करते हैं। कई बार हम अंधेरे को मिटाते भी हैं। कैसे? तो मून से जो लाइट आ रहा होता है उससे जब क्लाउड से टकराता है जब वो, तो कैसे लाइट बिखेरता है वैसे ही। येट सून, लेकिन बहुत जल्द ही रात खत्म हो जाता है और हम गायब हो जाते हैं। पता है कैसे गायब हो जाते हैं? बिल्कुल उन फॉरगॉटन लायर्स की तरह। लायर्स क्या है? लायर्स जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो ऐसा करके कुछ होता है ना, इसमें स्ट्रिंग्स लगे रहते हैं, एक महिला है जिसको रख करके बजाती है टिंग टिंग टिंग। वैसे ही हम भी वैसे ही खो जाते हैं जैसे हमने इन लायर्स को खो दिया है। हुज डिसोनेंट स्ट्रिंग्स, जिनके बेसुरे स्ट्रिंग बेसुरे तार जो है वो हर तार के छुअन पे अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं, अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जिनके हर कमजोर फ्रेम को जब आप देखोगे तो आप दोनों दो स्ट्रिंग साथ में बजाओ कोई से भी, वो कभी भी सेम आवाज नहीं करते हैं। बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह कोई भी दो इवेंट सिमिलर नहीं होते हमारे यहाँ। दोस टू विल बी डिफरेंट एंड दैट्स एन 100% पॉसिबिलिटी। वन मूड और मॉड्यूलेशन लाइक द लास्ट। पुराने मॉड्यूलेशन की तरह, पुराने तार के आवाज़ की तरह नहीं होते वो। सारे तार अलग अलग आवाज़ें देते हैं। जैसे हम जिंदगी जीते हैं, हम कभी कभार सोचते हैं कि ये तो इंसिडेंट सेम ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन नहीं, दोज आर नॉट सिमिलर, दे आर डिफरेंट। वैसे ही होता है जिंदगी, कैसे बदलाव को हम देखना चाहते हैं। वी रेस्ट, हम आराम करते हैं, लेकिन एक सपने का इतना ताकत होता है कि वो हमारे नींद में पॉइजन यानी जहर घोल दे। कैसे? आप खराब सपने देखते हो, आप खो जाते हो, पूरा नींद आपका बिगड़ जाता है। आप उठते हो और फिर इधर उधर के बेकार के ख्याल आपके दिन को बर्बाद कर देते हैं, आपके दिन को पॉल्यूशन से भर देते हैं। वी फील कंजीव और रीजन, हम महसूस करते हैं, धारण करते हैं, सोचते हैं, रैशनल थॉट रखते हैं, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, कई बार अपने दुख को गले भी लगाते हैं और कई बार उसे भगा भी देते हैं प्यार से। इट इज द सेम, ये सब कुछ एक समान है। ये ऊपर तीन जो स्टैंजास में आपने जो जो पढ़ा वो सब समान है। फॉर बी इट जॉय और सॉरो, चाहे वो दुख हो या सुख हो, द पाथ ऑफ इट्स डिपार्चर स्टिल इज फ्री। जो उनके खत्म होने का जो रास्ता है वो हमेशा ही फ्री है, वो है मौत। कभी भी किसी इंसान का पुराना जीवन जो है, पुराना दिन जो है, यस्टरडे जो है, वो कभी भी आने वाले कल से सिमिलर नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। नाउ मे इंड्योर बट म्यूटेबिलिटी। इस नल चीज को इंड्योर करने से अच्छा है, इस नल चीज को अपने साथ रखने से अच्छा है
कि हम बदलाव को समझें। ये नल चीज जो हमेशा सेम रहता है, उससे अच्छा है बदलाव जो कि हमें दिखता है, जो हम जीते हैं हमेशा ही। कई बार लोग आजकल बहुत ज़्यादा ही सुसाइड कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कुछ स्पेशल चीज़ के वजह से उनका ज़िंदगी पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है, बट विल द टाइम रिमेन सेम? क्या हमेशा वैसा ही होने वाला है? क्या वो समय नहीं बीतेगा? इट्स ऑब्वियस, समय का बीतना निश्चित है, हाल का बदलना निश्चित है, और इन सब चीज़ में एक ही चीज़ निश्चित है, वो है बदलाव। सो वाई नॉट एक्सेप्ट द म्यूटेबिलिटी? वाई नॉट एक्सेप्ट जॉय, ट्रुथ, लाई, सॉरो, एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे? वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीजन, एंड एवरी थिंग इज गोइंग टू बी चेंज, सो वाई वुड आई बी सैड फॉर एनी थिंग दैट इज गोइंग टू बी चेंज? दिस इज वेयर द पोएम एंड्स। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट विद द पोएम, यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन, टाटा, बाय बाय।